सब्सक्राइब करिए माय चैनल माय एकेडमी और साथ ही बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो के अपडेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। जितने भी सीटेट के, यूपीटेट के और केवीएस के, एनवीएस के, डीएसएसबी के अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हम डालेंगे। इसके पहले भी मैंने डाले हुए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, पार्ट वाइज डाले हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें, मैंने सोचा इसको एक चैप्टर वाइज भी रिवाइज कर लेते हैं हम। तो इस वीडियोज़ में जो है कई सीरीज़ में होगी, इसमें टोटल 22 चैप्टर्स होंगे और टॉपिक हमारा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो है एजुकेशन से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगमन से संबंध। तो आज हम इस चैप्टर को देखेंगे और टोटल जो है ये 22 चैप्टर्स हैं और इसमें मैं लास्ट में आपको हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। और जो जैसा कि आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें लगभग 40 क्वेश्चन हैं मिलेंगे आपको और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि विकास की क्या प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर नोट्स में दिखाया है आपको कि टोटली जो होता है, जो चाइल्ड होता है, किड्स जो होते हैं, उनके जो डेवलप होता है उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो वो जैसे उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी हैबिट होती है, नेक्स्ट दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों का स्वभाव, फिर उनका उनकी पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और साथ ही जो है जो विकास जो होता है हमारा, जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है किड्स के अंदर, वो कई सारे प्रक्रिया के दौरान होती हैं, कई सारी अवस्थाएं से उन्हें गुजरना पड़ता है, जैसे कि इन्फेंसी एज कुछ होता है, उसके बाद जो है अर्ली चाइल्डहुड एज आता है, फिर स्कूल एज देखेंगे हम। इस तरीके से चीज़ों को हम स्टेज वाइज से भी डिफाइन करेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक नया पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर एग्ज़ाम के पैटर्न से हम देखें तो कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ में क्या, ग्रोथ जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक चलती रहती है और उसमें चीज़ें दिखाई देती हैं, वो ये हो दिखाई देती हैं कि जैसे बॉडी की हाइट, लेंथ, वेट, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करती हैं और ये लाइफ टाइम नहीं चलती हैं, ये एक टाइम तक उसमें डेवलप होती रहती हैं और उसके बाद ये रुक जाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें पॉइंट देखेंगे कि एक जो है चरण होता है और इसका क्षेत्र जो होता है वृद्धि का, ग्रोथ का, वो बहुत सीमित होता है, बहुत ब्रॉड नहीं होता है। उसके बाद इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें इसके डेवलपमेंट के बारे में, इन दोनों के डिफरेंस में देखें, तो वहीं हम डेवलपमेंट को देखते हैं कि इसके अंदर जो है बिहेवियर में परिवर्तन आता है, बिहेवियर चेंजेस होते हैं, जो कोई भी काम करने की उनकी तरीका होता है उसमें और अच्छी सुधार आते हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उनकी बिहेवियर बदलते हैं, उनके काम करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी डिफरेंट होती है। और ये जो है पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है, ये पूरे लाइफ टाइम इंसान सीखता रहता है, चलता रहता है ये डेवलपमेंट। तो इसलिए ये डिफरेंस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस टॉपिक में ये मेन चीज़ है क्योंकि ये पहला चैप्टर है, तो ये पूरा जो है ये दो पॉइंट पे ही ये चैप्टर है, एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे और नेक्स्ट हम देखेंगे
जो कि इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो एक बच्चा होता है, एक किड्स होता है, चाइल्ड होता है, वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है और उसके डेवलपमेंट होता है। तो पहला जो हम देखेंगे वो है इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो गर्भ में माँ के गर्भ में आता है और उसके जन्म तक का ये स्टेज चलता है। नेक्स्ट हम आते हैं शैशवावस्था में, जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ये जो होता है ये बेबी बॉर्न से लेके 5 to 6 ईयर तक रहता है। नेक्स्ट जो है वो स्कूल एज, जिसको बाल्यावस्था बोलते हैं, जो कि 5 से 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है। और चौथा जो है किशोरावस्था है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलता है, इसको एडोलसेंस एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ युवा अवस्था, जिसको यंग एडल्ट बोलते हैं, जो 18 साल से 25 वर्ष तक चलता है। नेक्स्ट है 16वां जो है प्रौढ़ावस्था, ये 25 से 55 वर्ष तक चलता है, इसको एडल्टहुड बोलते हैं। और 7वां जो अंतिम है वो वृद्धावस्था है, 55 वर्ष से मृत्यु तक, इसको मैच्योरिटी एज भी बोलते हैं। देखिए जो ओल्ड एज से जो भी डेवलपमेंट के पार्ट्स चल रहे हैं वो टोटल 7 हैं, बट अभी प्रेजेंट में जो है इसको शॉर्ट कर दिया गया है। और इस शॉर्ट करने के बाद जो इसको है ओनली सिर्फ 4 स्टेजेस इसमें बताए गए हैं। 4 स्टेजेस में एक आता है शैशवावस्था अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा आता है बाल्यावस्था स्कूल एज, तीसरा आता है किशोरावस्था एडोलसन एज, और लास्ट आता है वयस्कावस्था, जिसमें ये तीनों इंक्लूड होते हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं वृद्धावस्था में। और इसकी एज जो होती है वो 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये पूछ देता है कि अर्ली चाइल्डहुड का काल कितना होता है, ये कितने साल से कितने वर्ष तक के बच्चों के बीच में होता है इसको माना जाता है। इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लर्निंग पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। मेन कभी कभी हिंदी में अगर हम देखें तो अधिगम पूछ लेता है, तो अधिगम को हम ध्यान में रखेंगे कि इसको लर्निंग बोलते हैं, और लर्निंग को अगर हिंदी में देखें तो इसे अधिगम बोलेंगे, और नेक्स्ट इजी वे में अगर हम देखें तो इसे सीखना बोलते हैं। तो बच्चे जो है लर्निंग के थ्रू सीखते हैं धीरे धीरे, जैसे और ये पूरी लाइफ चलती रहती है। इसमें जो है बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान इसमें अर्जित करते हैं, और इससे इनके जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर इनका और अच्छा होता जाता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है इस तरीके से। और इसके बाद हम इसके स्टेज पर आएंगे। दूसरा जो स्टेज है वो है वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड द रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो इसमें हम देखेंगे कि विकास के विभिन्न आयाम एवं उसका अधिगम के संबंध। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे शारीरिक विकास आता है, फिजिकल डेवलपमेंट आता है, मानसिक विकास आता है, उसके बाद भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, सामाजिक विकास होता है इसके दौरान बच्चों में, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट है सांवेगिक विकास, जो कि इमोशनल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट सिक्स जो है मनोगत्यात्मक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए शारीरिक विकास में है कि इसके अंतर्गत जो है बच्चे का शरीर की ऊंचाई, शारीरिक अनुपात, वृद्धि इत्यादि वगैरह इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट मानसिक में क्या होता है कि उसके समझने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और साथ ही वो चीज़ों को समझने लगते हैं, उनको इस टाइम पे डेवलप करने के लिए किस तरह का क्या करना होता है, इसमें इनकी कल्पना क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, विचार करने की शक्ति इसमें बढ़ती है, तो ये सारे डेवलपमेंट इसमें होते हैं। फिर भाषाई जो होता है, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है स्टूडेंट जो है चाइल्ड जो है अपनी लैंग्वेज में ध्यान देता है, जो उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज चलती है वो उसको सीखता है। नेक्स्ट आते हैं हम सामाजिक विकास पे, जो कि सोशल डेवलपमेंट है। इस टाइम पे बच्चा जो है अपने इमोशंस को सामने रखते जाता है,
सामाजिक विकास में, इसमें बच्चा अपनी जो है आस पड़ोस में दोस्ती करने लगता है, उनकी फ्रेंडशिप होने लगती है, दोस्त बनने लगते हैं। इस तरीके से कैसे किससे इंटरेक्ट करना है वो सारी चीज़ें सीखता है। और संवेगात्मक में आता है कि इसमें बच्चा जो है अपने इमोशंस को बताने लगता है, जैसे उनको डर जो होता है वो दिखाने लगता है, क्रोध दिखाता है, किसी से वो अगर नफरत करता है तो वो दिखाता है, आश्चर्य दिखाता है, तो ये सारे इमोशंस को वो समझने लगता है और इसको शो करने लगता है। नेक्स्ट है जो मनोगत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है क्रियात्मक शक्ति या क्षमता की योग्यता होती है। इसके अंतर्गत जो है शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, जैसे उनकी मांसपेशियाँ होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और इसमें उनका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, ये सारी चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स जो है, चाइल्ड जो है, ये सीखता है। नेक्स्ट हम आते हैं, इस तरह ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स